इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ताजा खबर हम आपको बताएंगे कैसे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी लगभग धाराशाही हो गई है। आपको यहां यह भी बता दें, इससे पहले भी कई बड़े दिग्गज नेता है जो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और कई आरोप भी लगाए गए हैं सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आज की जो ताजा अपडेट है वो बता देते हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कई दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन हुआ क्या, आज उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आपको वजह भी बताएंगे, वजह जो गुलाम नबी आजाद ने बताई है, उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी पर हमला किया है और राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व में आए हैं राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व का जब से वो नेतृत्व कर रहे हैं उसके बाद से जो पार्टी में बातचीत की भूमिका है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बातचीत का आधार ही राहुल गांधी ने खत्म कर दिया है। और ये आरोप उन्होंने 5 पन्नों का लेटर जारी किया है सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को लेटर जारी करने के बाद उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है कि पार्टी नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है, आप कहती हैं कि भारत एक को एक करना है, उससे पहले कांग्रेस को एक करना पड़ेगा, ये बातें कही हैं गुलाम नबी आजाद ने। हम आपको देखिए आज तक की रिपोर्ट दिखाएंगे, आज तक की रिपोर्ट देखिए इस वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, उस वेबसाइट को एक बार जरा गौर से देखिए। सीधा सीधा लिखा हुआ है गुलाम नबी आजाद का राहुल गांधी पर बड़ा वार, कहा भारत छोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ना जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात कही है गुलाम नबी आजाद ने। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी आ जाते हैं सड़क पर बैठ जाते हैं, भारत को एक करना है, भारत को एक करना है कि नारा देते हैं, सोनिया गांधी भी कई बार दे चुकी है, प्रियंका गांधी भी कई बार दे चुकी है, तो ये जो उनका नारा है जो सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं कांग्रेस वाले, खास करके राहुल गांधी हमारे, तो ये आरोप लगाते हुए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस को सही करना होगा। अब देखिए हम आपको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लेटर जारी करके लिखा है कि दुर्भाग्य से जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, इस बात पर गौर कीजिएगा कि लेटर में उन्होंने लिखा क्या है, दुर्भाग्य से जब पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई है और खास तौर से 2013 में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, तब से उन्होंने पार्टी में बातचीत का पूरा खाका ही ध्वस्त कर दिया। जो मैंने आपको बताया बातचीत का जो एक पैमाना होता है, सारे बड़े दिग्गज नेता बैठते हैं, बातचीत होती है, सभी की राय ली जाती है, लेकिन राहुल गांधी पार्टी की बात करते हैं लेकिन एकला चलो की रणनीति पर चल रहे हैं कि उनका जो फैसला होगा वही होगा, ये राहुल गांधी का है। अब राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए, वो किस नाम से प्रसिद्ध है ये आप सभी जानते होंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भाषण दिए जाते हैं, वो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, कई बार देखा गया है बोलते हुए उनको। लेकिन ठीक है, आप कांग्रेस जो है लगातार अपने जनाधार को जिस तरीके से खो चुकी है और पार्टी का नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर समझना होगा कि पार्टी का नेतृत्व अगर मैं कर रहा हूं तो पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सबसे पहले राहुल गांधी को समझने की जरूरत है। पार्टी के नेतृत्व पर सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई विकल्प ही नहीं, फैसला ही नहीं है राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी जो फैसला लेते हैं वो कितना कारगर साबित होता है ये भी आप देख चुके हैं। गुलाम नबी आजाद जो है वो कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से तंग आकर, उनके पार्टी नेतृत्व से तंग आकर ये इस्तीफा दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है, सोनिया गांधी ने ये भी कहा है कि जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, इस पर विचार विमर्श होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को कहा है। लेकिन जो ताजा मामला यही है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं सभी पदों से। अब आपको देखिए हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे, उस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दें जम्मू कश्मीर से भी जो चुनाव समिति का गठन किया गया था उससे भी इस्तीफा दे दिया था गुलाम नबी आजाद ने, वहां पे भी सवाल उठाया गया था कि भाई बड़े से बड़ी मीटिंग होती है, राहुल गांधी फैसला ले लेते हैं और मुझे पता नहीं चलता, वहां के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन फिर भी वहां से भी यही बात मुद्दे सामने आए थे और उसके बाद से वहां से भी इस्तीफा दे दिया था, और अब तंग आकर गुलाम नबी आजाद ने पूरे सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए अब बात करेंगे, शुरुआत में वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कई ऐसे दिग्गज नेता है जिन्होंने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी, क्यों छोड़ी, कई बड़े ऐसे नाम है, कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि कांग्रेस के में कई ऐसे लीडर थे जो आज बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जी हाँ ये सच्चाई है, और उसमें हम कौन कौन लोग शामिल हैं उसमें भी एक एक करके मैं आपको नाम बताऊंगा।
देखिए कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और घोटालों से जिस तरीके से अभी घिरी हुई है, 70 सालों से चीजें जो चली आ रही हैं, जिस तरीके से पार्टी जनाधार खो रही है, उसके बाद से भगवान ही मालिक, क्योंकि दो जो स्टेट की अगर बात की जाए तो दो स्टेट में ही उनका जो सरकार है उनकी सीमित रह गई है जहाँ उनको पूर्ण बहुमत है। महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस, वहाँ भी जोड़ तोड़ के हिसाब लगा के उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार तो बना ली थी, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार जिस तरीके से घटता जा रहा है, और उस वही वजह रही महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना खेल कर दिया। महाराष्ट्र में जब बीजेपी ने अपना खेल किया तो उसके बाद से लगा कि अब भी कांग्रेस पार्टी को समझ जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अब भी देखना चाहिए कि भाई क्या किया जा सकता है। लेकिन वही देखिए झारखंड में भी सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि झारखंड से खटपट की खबरें हमें सुनने को मिलती ही थी। बिहार में भी महागठबंधन सरकार है, बना ली है, कांग्रेस भी है, लेकिन वो अभी भी अपना जमीन तलाशने में लगी है कांग्रेस। और बिहार में तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में क्या स्थिति है अभी कांग्रेस की। आगे देखिए, आगे हम आपको एक रिपोर्ट और दिखाएंगे जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की कौन कौन नेता थे। देखिए उसकी हेडलाइन पर गौर कीजिए कि कांग्रेस की डूबती नैया से जारी है दिग्गज नेताओं का निकलना, बदतर हालत में पार्टी। इससे पहले भी एक और बड़े नेता थे कांग्रेस के ही, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो थे आनंद शर्मा ने इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि हिमाचल चुनाव के जो चुनाव समिति का गठन जो हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और अध्यक्ष बनाने के बाद उनका ये आरोप था, सोनिया गांधी को उन्होंने भी पत्र लिखा था, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई यहाँ भी पार्टी मीटिंग हो जाती है, चुनाव को लेके मद्देनजर सारी तैयारियां हो जाती हैं, कई ऐसे प्रोग्राम हैं कांग्रेस के जो हुए हैं और मुझे खबर तक नहीं गई की गई, ना ही मुझे बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि ये मेरा अपमान हो रहा है और इस अपमान के चलते मैं उस पद से इस्तीफा देना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कई बड़े ऐसे नेता, कई नाम हैं ऐसे, अब आपको हम एक एक करके वो नाम भी बताएंगे, क्योंकि देखिए जानना जरूरी है, कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि भाई आखिर भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो क्यों असफल होती जा रही, कहीं ना कहीं सफल तो हो ही रही है बीजेपी। दो जगह आपकी सरकार रह गई है, आप बाकी जगह गठजोड़ की सरकार चलाए तो वहां से भी खेल कर दिया बीजेपी ने, तो आपको समझना चाहिए। ऐसे में देखिए कई बड़े नाम है, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कारण क्या था? कारण था कि उन्होंने कई बार चीजों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा था उसको लेकर सोनिया गांधी को अवगत कराया था, लेकिन सोनिया गांधी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कपिल सिब्बल ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में बैठक के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। सिब्बल कांग्रेस पार्टी में व्यापक सुधारों पर जोर देने वाले विद्रोही ग्रुप G23 के एक प्रमुख सदस्य थे। जी हाँ, सिब्बल काफी समय से न केवल कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर भी निशाना साध रहे थे। यहां भी राहुल गांधी ही वजह बने थे। पार्टी नेतृत्व को लेकर उन्होंने कई बार सवाल उठाए थे, कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस पर विचार करने के लिए बोला गया था, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हार्दिक पटेल को आप सभी जानते होंगे, हार्दिक पटेल भी कांग्रेस में जुड़े, लेकिन हार्दिक पटेल ने पार्टी में दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने पार्टी से नाराज होकर जो कांग्रेस पार्टी है उसको छोड़ दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जो दिया था उसमें कहा था कि जब वह उनसे मिले तो शीर्ष नेता मोबाइल फोन पर व्यस्त थे। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात कांग्रेस पार्टी के मुद्दों की तुलना में नेताओं के लिए चिकन सैंडविच की व्यवस्था करने में अधिक रुचि रखती है। अब बताइए, पार्टी मीटिंग चल रही है, पार्टी मीटिंग में जो दिग्गज नेता है वो फोन में व्यस्त, खुद राहुल गांधी फोन में व्यस्त, ऐसे में कैसे चलेगी पार्टी? कांग्रेस पार्टी, पार्टी का जो नेतृत्व है वही जब गड़बड़ है, ये आरोप हार्दिक पटेल ने लगाया था राहुल गांधी पर। अब समझिए अश्विनी कुमार भी बड़े दिग्गज ने कई सालों से कांग्रेस साथ जुड़े रहे थे, लेकिन 4 दशक पुराना रिश्ता उन्होंने खत्म कर दिया। 4 दशक पुराना, उन्होंने सोनिया गांधी को जो त्याग पत्र दिया था उसमें लिखा था, ये कदम मेरी गरिमा के अनुरूप है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो निकट भविष्य में कांग्रेस को पतन की ओर जाते हुए देख रहे हैं, जो कि आज सच हो रहा है। कांग्रेस किस तरीके से गिरती चली जा रही है और किस तरीके से बर्बाद हो रहा है पूरा, वो आप देख ही रहे हैं। कई ऐसे बड़े नाम हैं, मैं आपको बड़े नाम की गिनती करा देता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस
छोड़ने वाले नेताओं में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी ज्योतिराज सिंधिया ने उसकी। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के समय ही मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई टकराहट आखिरकार सिंधिया के कांग्रेस पर जाकर छोड़ने को जाकर खत्म हुई थी। राजनीतिक विश्लेषक उस समय कांग्रेस के लिए इसको बड़ा झटका मानते थे। सिंधिया राहुल गांधी के बेहद करीबी थे और कांग्रेस के भविष्य के रूप में भी देखे जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, तकरार शुरू हुई। सीएम पद के लिए उम्मीदवारी थी, वो चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने ऐसा किया नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा, इस नाम को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ हेमंत विश्व शर्मा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस में रहकर आज उसे वो काम नहीं करने दिया। कांग्रेस में जब वो थे उन्होंने उनके अनुरूप काम नहीं करने दिया गया, और जब कांग्रेस से हटकर हेमंत विश्व शर्मा जब बीजेपी में शामिल हुए तो आज उनकी तुलना अमित शाह से की जाती है। उन्हें बहुत बड़ा चाणक्य माना जाता है। अमित शाह के बारे में अगर किसी को माना जाता है तो चाणक्य माना जाता है। चाणक्य इसलिए भी माना जाता है कि जब कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे चीजें हैं जो अमित शाह चाहे आपको जेपी नड्डा लोगों को नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, कई ऐसी योजनाएं जो है उस राज्य में लागू नहीं करा पाए, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा ने वो सारे काम कर दिखाए जो बीजेपी उनसे उम्मीद रखती थी। उन्हें अमित शाह के बाद चाणक्य इसलिए भी कहा जाता है कि उनकी रणनीति बड़ी कमाल की होती है, उनकी रणनीति का फायदा बीजेपी को अक्सर पहुंचा है। लेकिन कांग्रेस में जब वो थे तो उस समय तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे और गोगोई के खास माने जाते थे हेमंत विश्व शर्मा। बाद में गोगोई से मतभेद होने पर 2015 में पार्टी छोड़ दी थी। राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था, तब राहुल गांधी के कथित रूप से कुत्ते को खिलाने में व्यस्त थे। जी हाँ, ये उन्होंने बयान भी दिया था हेमंत विश्व शर्मा ने कि जब मैंने उन्हें मिलने का समय मांगा तो राहुल गांधी जी जो हैं कुत्ते को खिलाने में व्यस्त थे, और कई आपत्तिजनक बातें भी राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी हेमंत विश्व शर्मा को लेकर। मौजूदा अगर बात की जाए तो अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, और आप देख ही लीजिए कि किस तरीके से पार्टी महाराष्ट्र में जो खेल हुआ वो कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा बहुत, मतलब आप समझ लीजिए 70% उन्हीं का खेल था। महाराष्ट्र में जो खेल किया गया उसमें पूरा 70% दिमाग कह लीजिए हेमंत विश्व शर्मा ने खेला था, और अमित शाह ने इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी थी। कई ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस के से निकलने के बाद कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाए। ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं, जैसे आप विजय और रीता बहुगुणा को ले लीजिए। विजय और रीता बहुगुणा भी 2012 से 2014 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। विजय बहुगुणा की बहन उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी। इनके पिता हेमवती नंद बहुगुणा का परिवार दशकों से कांग्रेस में था। 2013 की बाढ़ में आपदा में राहत कार्यों में अनियमितताओं को लेकर उनके नेतृत्व पर क्षमता पर सवाल उठा, मुख्यमंत्री का पद चला गया। 2 साल बाद दोनों भाई बहन कांग्रेस 2016 में छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और आज यही दोनों भाई बहन बीजेपी में रहकर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गए। तो ऐसे में कांग्रेस को जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के आलू वाली फैक्ट्री वाले बयान से और आके खत्म टाटा बाय बाय करने से नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपना जनाधार खोते जा रही है, लगातार गिरते जा रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इस पर सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।